हाय गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं फोर लूप। द फोर लूप इज़ यूजफुल टू इटरेट ओवर द एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस सच एज स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल। सो फोर लूप का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है सीक्वेंस, जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, उनके एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए, उनके या उनके एलिमेंट्स को इटरेट करने के लिए। सेंटेंस का कुछ इस तरीके से है, आप लिखते हैं फोर वैर की जगह आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, इन कीवर्ड है, सीक्वेंस एक की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, देन कॉलन, देन इसके अंदर का कोड जो कि भी स्टेटमेंट हो आप इसके अंदर लिखेंगे, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट भी हो सकता है, देन हमारा रेस्ट ऑफ द कोड। इसमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखिएगा, फोर आपका इस तरीके से इसी सेम तरीके से लिखा हुआ रहना चाहिए, इन आपका सेम तरीके से लिखा होना चाहिए, ये और ये दो चीज़ें आपकी चेंज होंगी। ओके, तो ये आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। देन आपका यहाँ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होगा, देन जैसे ही फोर लूप बंद होगा आपका रेस्ट ऑफ द कोड एग्जीक्यूट होगा। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग फ्लो चार्ट में चलते हैं। और पहले ये देखिएगा कि इज एलिमेंट इन सीक्वेंस, अगर क्या सीक्वेंस में जो भी स्ट्रिंग होगा, लिस्ट होगा, टप्पल होगा, जो भी होगा, क्या उसमें एलिमेंट्स हैं। अगर है, इफ यस, देन वैर में एलिमेंट्स रख दो। अब वैर क्या है, एलिमेंट्स क्या है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, बस इसको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, तो हम लोग एग्जाम्पल में डिटेल में बात करेंगे। सो इफ यस, अगर एलिमेंट्स हैं तो वैर, वैर मतलब फोर के बाद जो भी हम लोग ने सिंटेक्स देखा था उसमें वैर लिखा हुआ था, तो वहाँ पर सीक्वेंस में जो पहला एलिमेंट होगा वह असाइन हो जाएगा, देन उसको आप अपने स्टेटमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। देन वापस से ये इसी लूप को चेक करेगा और देखेगा कि क्या सीक्वेंस में और भी एलिमेंट बाकी है, अगर है तो सेम चीज़ रिपीट होता रहेगा, जब ये ख़त्म हो जाएगा, यानी कि इफ़ नो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट जब बाकी नहीं रहेगा तो आपका फोर लूप एग्जिट होगा और आपका रेस्ट ऑफ द कोड एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए इसका हम लोग क्विकली एग्जांपल देख लेते हैं। मैं यहाँ एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ, उसमें मैंने लिख दिया एस टी इक्वल, मैंने लिखा ये हमारा सिक्वेंस है, सो स्ट्रिंग हमारा क्या है, सिक्वेंस टाइप का है हमारा, हम लोगों ने डेटा टाइप में पढ़ा हुआ ये सब। सो इसके मान लीजिए कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स है, ये स्ट्रिंग है, इसके एलिमेंट्स क्या है, इसका एलिमेंट है जी ई ई के वाई, ये सारे एलिमेंट्स हैं इस स्ट्रिंग के, तो इन एक एक एलिमेंट्स को अगर मुझे एक्सेस करना है तो कैसे करूँगा, फोर लूप का यूज़ करके। सो फोर लिखा, देन सी एच कुछ भी लिख सकते हैं आप, सी एच की जगह इन ही लिखना है, और किसमें से, एस टी में से, यानी कि यहाँ जो आप लिखेंगे, यानी कि जो आपका सीक्वेंस, जो स्ट्रिंग आपका स्टोर है कहाँ, एस टी में, तो एस टी में से एक एलिमेंट निकालेगा और सी एच में डालेगा, देन क्या करना है उसको प्रिंट कर देना है सी एच, देन ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि इस एस टी में सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ ना आ जाएं एक एक करके, देन आपका इधर हो जाएगा रेस्ट ऑफ द कोड। इसको सेव करते हैं, देन हम लोग मैं इसमें बात करूँगा कि ये कैसे काम कर रहा है। सो हमें इस प्रोग्राम को रन करना है, तो मैंने लिखा पाइथन और ये, तो हमें ये रन होकर मिल गया। देखिए ये कैसे काम कर रहा है, समझ लीजिए, ये एस टी हमारा सीक्वेंस है, यानी कि इसमें हमारा स्ट्रिंग है, तो ये क्या करेगा, ये फोर सी एच, सी एच की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, इन दिस, तो एक कैरेक्टर इन दिस, यानी कि इसमें से एक कैरेक्टर उठाओ और सी एच में डालो, देन उसको प्रिंट करो, देन वापस से ये फोर लूप चलेगा, फिर दूसरा करेक्टर उठाओ सी एच में डालो, देन उसको प्रिंट, फिर तीसरा करेक्टर, यानी कि पहले जी गया, इस एस टी में ये पूरा है, फोर क्या कर रहा है, फोर इस पूरे में से एक करेक्टर को उठाकर सी एच में डाला, तो पहली बार जी डाला तो प्रिंट सी एच की जगह जी आया, यानी कि ये वाला आपको डिस्प्ले होकर मिला, फिर दूसरी बार जब लूप चला तो ये अगले वाले को, यानी कि ई को सी एच में डाला, तो आपको ये प्रिंट होकर मिला। इसी तरीके से नेक्स्ट को, इस तरीके से नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये तब तक करता रहेगा, ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि सारा का सारा इसका कैरेक्टर ये इसके पास नहीं चला जाता और इसके थ्रू यहाँ से हमें ये डिस्प्ले होकर मिल रहा है। सो ये है फोर लूप को एग्जीक्यूट होने का तरीका। ये हम लोग देख रहे हैं विदाउट रेंज, हम लोग कुछ देर में रेंज भी देखेंगे। ये इजी है, इसी तरह लिस्ट होगा तो लिस्ट में बहुत सारे स्ट्रिंग होगा, तो एक स्ट्रिंग इसमें, फिर दूसरा स्ट्रिंग, फिर तीसरा स्ट्रिंग, इस तरह करके उसमें जाएगा। लिस्ट की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं एरे की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसका बड़ा बड़ा टॉपिक है और वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि उसमें फोर लूप कैसे काम करता है, यहाँ बस फोर लूप हमें सीखना है।
सो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फॉर लूप विथ रेंज ए इक्वल रेंज फाइव लिखा। जब आप ए इक्वल रेंज फाइव लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने स्टार्ट डिफाइन नहीं किया और स्टेप वाइज डिफाइन नहीं किया। जब आप स्टार्ट और स्टेप वाइज डिफाइन नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट जीरो रहता है और स्टेप वाइज वन रहता है। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ इंटीजर आपका जनरेट करके देगा वह होगा ज़ीरो वन टू थ्री और फोर। फाइव नहीं होगा बिकॉज ये हमेशा जे माइनस वन रहता है, तो इससे हमें ये नंबर जनरेट होगा। अभी फोर लूप में इसका कैसे यूज़ करेंगे? जब आप लिखेंगे फोर आई इन ए, ए में क्या है? ये है ज़ीरो वन टू थ्री फोर। तो आई इन ए, ए में ज़ीरो है तो पहले आई के पास ज़ीरो चला जाएगा, फिर ए में क्या है वन है तो आई के पास वन चला जाएगा। जैसे जैसे लूप चलेगा वैसे वैसे ये एक एक करके आई के पास जाएगा। तो आप चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं आई को, आपको आई का वैल्यू मिलेगा। अब इसको इस तरीके से इतने सारे कोड में लिखने के बजाय आप देखेंगे कि हम लोगों ने क्या किया कि इस रेंज को पहले ए में डाला, देन ए को हमने यहाँ लिखा। तो आप चाहें तो इस को डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ए यहाँ बेकार में लिखने का आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आपका काम हो जाएगा। तो इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये एग्जाम्पल अभी याद रखिएगा, ये एग्जाम्पल हम लोग रेंज के साथ कैसे यूज़ करते हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा। इसमें हम लोगों ने विदाउट रेंज यूज़ किया है, बट इसको आप विथ रेंज भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये बाद में हम लोग देखेंगे। फिलहाल के लिए ए इक्वल रेंज और मैंने लिख दिया यहाँ फाइव और फोर आई, आई फॉर इंडेक्स आप समझ सकते हैं, ये आई की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं। इन लिखना है देन ए, यानी कि ए में जो भी है उसमें से पहला एलिमेंट निकालो और आई आई में रख दो, देन हम लोग आई को डिस्प्ले कर देंगे। इसको प्रॉपर इंडेंट करना। सो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ए में जो भी है, ए में क्या है, ए में है ये जनरेट करेगा हमारा ज़ीरो वन टू थ्री फोर। तो ये सारे जो हैं ए में हैं। तो ये फोर लूप कह रहा है कि ए में पहला जो एलिमेंट है उसको आई में डालो। तो पहला एलिमेंट हमारा ज़ीरो था, हमें ज़ीरो डिस्प्ले होकर दिखाई देगा। देन फिर से ये फोर लूप चलेगा, फिर कहेगा कि ए में अब नेक्स्ट एलिमेंट को आई में डालो यानी कि वन को, तो फिर हमें वाई वन प्रिंट होकर दिखाई देगा। फिर से ये फोर लूप चलेगा, फिर से कहेगा कि ये नेक्स्ट एलिमेंट को आई में डालो तो टू, तो हमें टू डिस्प्ले होकर दिखाई देगा। इस तरीके से थ्री थ्री और इसी तरीके से फोर आपको डिस्प्ले होकर दिखाई देगा। इसको हम लोग क्विकली रन करके देख लेते हैं। ओके, सो इसको रन करते हैं हम लोग इसमें जो हमारा फाइल का नाम है पाइथन लिखना है, देन फाइल का नाम जो भी है वह डॉट पी वाई के साथ। इसको आप इंटरप्रेस करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा ज़ीरो वन टू थ्री फोर। ए में ज़ीरो वन टू थ्री फोर है तो पहला एलिमेंट जाता है आई के पास, वो प्रिंट होकर हमें ज़ीरो दिखाई दिया, फिर दूसरा, फिर वन, फिर तीसरा, इसी तरीके से वन टू ज़ीरो वन टू थ्री फोर हमें दिखाई देता है। अभी इसमें हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन कर देते हैं। मान लीजिए कि हमने वन इसमें डिफाइन कर दिया, तो ये क्या हमें सीक्वेंस जनरेट करके देगा? और इसको हम लोग रन करते हैं तो ये हमें देता है वन टू थ्री फोर। कैसे देता है ये बार देख लीजिए। ये जो रेंज है, ये जो नंबर जनरेट करेगा वह होगा वन से स्टार्ट करके वन टू थ्री फोर। फाइव नहीं बिकॉज जे माइनस वन रहता है। तो ए के पास क्या है? वन टू थ्री फोर है। तो फोर लूप कह रहा है कि ए में पहला एलिमेंट जो है उसको आई में डालो, तो आई में डाला और प्रिंट कर लिया आई, तो हमें मिल गया वन बिकॉज पहला एलिमेंट ए का क्या है? वन है। देन फिर से चलेगा फोर लूप, ये कहेगा कि नेक्स्ट एलिमेंट को आई में डालो, तो नेक्स्ट एलिमेंट हमारा टू है आई, तो यहाँ टू प्रिंट होगा और हमें टू यहाँ दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट एलिमेंट आई में जाना है जिसे हमें थ्री दिखाई देता है, फिर नेक्स्ट एलिमेंट हमें फोर जाना है तो फोर हमें यहाँ दिखाई देता है। इसी तरीके से आप चाहें तो इसमें आप स्टेप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ स्टॉप को 10 कर दिया और मैं स्टेप को 2 कर देता हूँ। तो इससे जो नंबर जनरेट होगा वह होगा 1 3 5 7 9। इनके बाद नहीं जाएगा बिकॉज हमेशा जे माइनस वन रहता है। तो जो सीक्वेंस जनरेट हो रहा है जो कि है 1 3 5 7 9, तो ये हमारे ए के पास है। तो ए का पहला एलिमेंट ये जाएगा आई में जब लूप पहली बार रन करेगा तब।
तो ए चला गया आई में, तो हमें वन प्रिंट होकर दिखाई देगा। फिर थ्री यानी जो कि नेक्स्ट एलिमेंट है ए का, वह जाएगा आई में, तो हमें थ्री दिखाई देगा। इस तरीके से नेक्स्ट एलिमेंट और नेक्स्ट एलिमेंट, यानी कि फोर लूप तब तक चलता है जब तक कि सारे एलिमेंट्स ख़त्म ना हो जाएं, और हर लूप में ये अपने नेक्स्ट एलिमेंट को आई में स्टोर करता है। ये आपको बेसिक सा कंसेप्ट ध्यान रखना है फोर लूप का। सेव कर लिया है, सेव करने के बाद जब आप इसको रन करेंगे तो आपको दिखाई देगा 13579। यही सारी चीज़ें हम लोगों ने रेंज में देखी थी, बट वहाँ हम लोग हर बार प्रिंट 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 कर रहे थे, अब वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। अब सिर्फ एक बार हम लोग फोर लूप लिख रहे हैं और हमें सारा कुछ मिल जा रहा है। आप नेगेटिव चाहते हैं तो नेगेटिव भी आपको मिल जाएगा, आप यहाँ माइनस कीजिए, देन यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, सेव कीजिए। इससे जो नंबर जनरेट होगा उसका एक एक एलिमेंट आई में जाएगा और वह डिस्प्ले होकर आपको दिखाई देगा। तो इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको, देखिए -1, -3, -7, -7, -9। उसके बाद अगर आपको रिवर्स में चाहिए तो मैं यहाँ कर देता हूँ इस पर 10, बिकॉज हमें एक एक करके नहीं करना है, तो मैंने 10 कर दिया और यहाँ पर हम लोग कर देंगे -1। सेव किया मैंने इसको, सेव करने के बाद इसको जब आप रन करेंगे तो आपको 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे मिलेगा। एक एलिमेंट ए में जो भी आता है वह एक एक एलिमेंट आई में जाता है और वह डिस्प्ले होकर हमें दिखाई देता है। अगर आप इसमें 2 कर देंगे तो ये 2 माइनस करेगा, देखिए 10, 10 से -2, 8, 8 से -2, 6, 6 से -2, 4, 4 से -2, 2, और 2 से और माइनस करेगा तो ये 0 चला जाएगा, लेकिन 0 करना नहीं, बिकॉज 0 हमारा स्टॉप है और स्टॉप से हमेशा एक कम रहता है हमारा जो भी सिक्वेंस ऑफ इंटीजर रहेगा वह। तो ये आपका हो गया। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी रेंज की कॉन्सेप्ट। अब रेंज के थ्रू हम लोग अपने पहले वाले एग्जांपल को, इसमें हम लोगों ने स्ट्रिंग लिया था, उसको कैसे अचीव कर सकते हैं देखते हैं। एसटी इक्वल हमारा कुछ इस तरीके से था, एसटी इक्वल गिकी सोस, ये हमने लिखा हुआ था। देन इसको हम लोग बड़ी ही आसानी से फोर लूप के थ्रू फोर सी एच इन एसटी इस तरीके से डिस्प्ले कर रहे थे, प्रिंट सी एच। इसको सेव करें, सेव करने के बाद जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये हमें इस तरीके से मिल जाता था। लेकिन इसी को मुझे रेंज का यूज़ करके करना है। क्यों रेंज का यूज़ करके क्यों करना है? बिकॉज मुझे इंडेक्स नंबर भी डिस्प्ले करना है और उस इंडेक्स में क्या स्टोर है वह भी डिस्प्ले करना है। इस चीज़ से आप उसको अचीव नहीं कर सकते, लेकिन फोर के साथ अगर आप रेंज को यूज़ करेंगे तो आप उसको अचीव कर पाएंगे। तो उसके लिए कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात कि आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं ये जानने पड़ेंगे इसमें। तो इसके लिए हम लोग एक मेथड यूज़ करते हैं लेन, ये लेंथ बताता है इस स्ट्रिंग का। सो उसको हम लोग एक वेरिएबल एन में असाइन कर लेते हैं और यहाँ देते हैं एसटी। सो ये हमारा एक फंक्शन है लेन फंक्शन, ये लेंथ फंक्शन एक्चुअली में, जिसका शॉर्ट एल ई एन लिखा गया है फंक्शन का नाम। सो एसटी में जितने भी कैरेक्टर्स होंगे उसका लेंथ ये बता देगा, यानी कि जो भी आप यहाँ लिखते हैं उसका ये लेंथ बताता है और वह जाकर स्टोर हो जाएगा कहाँ, एन में। देन आपको मिल गया नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं उतने मुझे रेंज जनरेट कर लेने हैं, जिससे कि मुझे 0 to उतने नंबर तक का सब कुछ मिल जाएगा। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ सिंपली कर दूँगा रेंज एन। एन क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जितने भी होंगे वह एन में होगा और उतने का मुझे रेंज चाहिए। क्यों रेंज चाहिए? बिकॉज वही मुझे क्या करके देगा, ये मुझे नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ इंटीजर जनरेट करके देगा। एन मान लीजिए कि अगर 10 होगा तो ये जनरेट करेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये इतना हमें जनरेट करके दे देगा। तो ये हमारा बन जाएगा इंडेक्स नंबर, और एलिमेंट्स हम लोग एक्सेस कर पाएंगे इसके थ्रू। एस टी 0 जब आप करेंगे तो आपको ये मिलेगा, एस टी 1 करेंगे तो ये मिलेगा, बिकॉज जो स्ट्रिंग होता है वह एक एक करेक्टर एक एक इंडेक्स में रहता है। मैं आपको कोड लिख कर दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैं यहाँ सी एच की जगह आई कर देता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस मैं लिखने में सहूलियत होगी। तो सी एच की जगह मैंने कर दिया आई, और यहाँ पर मैं लिखूँगा एक स्ट्रिंग इक्वल साइन, कॉमा देना है, और यहाँ पर हम लोग एस टी और आई, और आपको यहाँ भी कॉमा लिखना है। देन आप नीचे लिख सकते हैं रेस्ट ऑफ द कोड।
अब ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है इसको हमें समझना है। समझने से पहले हम लोग इसको एक बार रन कर लेते हैं। रन किया मैंने, आप देखेंगे इंडेक्स नंबर के साथ मुझे ये मिल रहा है। एक्चुअली में ये इंडेक्स नंबर है नहीं, ये रेंज का वैल्यू है जिसको हम लोगों ने इंडेक्स की तरह यूज़ किया है यहाँ पर। सो ज़ीरो में क्या है, जी है, वन में ई है और टू में ई है, इसी तरीके से बाकी सारी चीज़ें इसको समझिए एक बार ठीक से। स्ट्रिंग का ये बेसिक कंसेप्ट है कि जब आप इस तरीके से स्ट्रिंग लिखते हैं तो इसका पहला करेक्टर जो होता है वो ज़ीरो इंडेक्स पर, यानी कि एस टी ज़ीरो लिख कर आप जी को एक्सेस कर सकते हैं, एस टी वन लिख कर आप ई को, देन एस टी टू लिख कर आप इस वाले ई को, देन इसी तरीके से एक एक इंडेक्स बढ़ाते जाइए और आप एक एक करेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं स्ट्रिंग के। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना है हमें और हमें इस चीज़ को रेंज के थ्रू एक्सेस करना है। तो सबसे पहले तो हमें इसका पूरा लेंथ जानना पड़ेगा। तो लेंथ हम लोग डायनेमिकली जानते हैं, यानी कि स्ट्रिंग या जो कुछ भी हो लेंथ हमें काउंट नहीं करना है, हमें ये फंक्शन काउंट करके देगा। सो मैंने लिखा एल ई एन एस टी, यानी कि ये वाला करेक्टर में जितना भी लेंथ है ये हमें एन में मिल जाएगा। देन एन में मान लीजिए कि 10 है तो रेंज 10 हमने लिखा। जब हम लोग रेंज 10 लिखते हैं तो यह सीक्वेंस जनरेट करता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक का। अब 9 हो गया ये हमारा, तो फोर लूप जब पहली बार चलेगा तो ये कहेगा कि इसमें पहला एलिमेंट जो कि 0 है उसको आई में डालो, तो उसको हम लोगों ने आई में डाला, यानी कि फोर लूप ने आई में डाला और यहाँ क्या है 0, तो 0 हमें डिस्प्ले होकर दिखाई देता है। और एस टी आई लिखा हो, आई का वैल्यू क्या है 0 है, तो एस टी 0 में क्या है जी, तो हमें जी मिल जाता है। उस तरीके से दोबारा से ये फोर लूप चलता है तो ये रेंज का सेकेंड एलिमेंट जो कि 1 है वह आई में जाता है, देन आई का वैल्यू 1 हो जाता है जिससे हमें ये 1 दिखाई देता है। और एस टी आई में 1 है तो यहाँ 1, यानी कि एस टी 1 में ई है तो हमें ई डिस्प्ले होकर दिखाई देता है। फिर से वापस से फोर लूप रन करता है, जब वापस से फोर लूप रन करता है तो ये नेक्स्ट एलिमेंट इस रेंज के नेक्स्ट एलिमेंट को यानी कि इस 2 को आई में डालता है, देन आई हो जाता है हमारा 2, सो हमें दिखाई देता है ये 2। और एस टी 2, तो एस टी 2 में हमारा जो भी एस आएंगे ई है तो ई हमें दिखाई देता है। इस तरीके से ये चलता जाता है और तब तक चलता है जब तक कि ये लास्ट एलिमेंट तक नहीं पहुंच जाता रेंज के। जैसे ही लास्ट तक पहुंचता है एस टी 9 होता है यहाँ, और एस टी 9 में हमारा है एस, तो हमें यहाँ एस दिखाई देता है। उसके बाद कोई भी एलिमेंट नहीं है रेंज में 9 के बाद, तो ये हमारा फोर लूप बंद और ये एग्जीक्यूट होता है, हमें रेस्ट ऑफ द कोड दिखाई देता है। तो फोर लूप कुछ इस तरीके से काम करता है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग फोर लूप विथ एल्स की। सो द फोर लूप इज़ यूजफुल टू इटरेट ओवर द एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस सच एज स्ट्रिंग टपल, स्ट्रिंग लिस्ट टपल एटीसी। द एल्स सुइट इज विल बी ऑलवेज एग्जीक्यूटेड इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटमेंट्स इन द लूप आर एग्जीक्यूटेड और नॉट। सो गाइज इसका मतलब ये हुआ कि एक तो फोर लूप का आप लोगों को पता है कि फोर लूप का यूज़ किया जाता है सीक्वेंस जैसे स्ट्रिंग है, लिस्ट है, टपल है, उनके एलिमेंट्स को इटरेट करने के लिए, उनके एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए। अब यहाँ एक एल्स पार्ट भी चला आया, तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा ही होगा, चाहे आपका फोर चले ना चले, चल के रुक जाए, कुछ भी कंडीशन हो आपका एल्स पार्ट चलेगा ही चलेगा। सिंटेक्स इसका देखिए, फोर वैर इन सीक्वेंस, अगर फोर वैर इन सीक्वेंस, अगर इस सीक्वेंस में कोई एलिमेंट है जो कि वायर में जाएगा तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर ख़त्म हो जाता या फिर नहीं है तो वह एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, जो भी एल्स पार्ट में रहेगा वह एग्जीक्यूट होगा, देन फाइनली हमारा रेस्ट ऑफ द कोड एग्जीक्यूट होगा। इसको हम लोग क्विकली एग्जाम्पल में देख लेते हैं, वहीं हम लोग इसको अच्छी तरीके से समझ भी लेंगे। सो इसी का एग्जाम्पल लेंगे, रेंज में अभी इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ बिकॉज रेंज इंक्लूड करने से आपको दिमाग हैंग हो जाएगा, तो सिंपली इसको समझ लीजिए सादे तरीके से, देन आप इसमें रेंज भी इंक्लूड कर सकते हैं। सो फोर सी एच इन एस टी प्रिंट करना है सी एच, एल्स प्रिंट कर दो, ऐसे लिख देता हूँ एल्स पार्ट, बस एल्स पार्ट लिख देता हूँ, देन हमारा रेस्ट ऑफ द कोड रहेगा। इसको सेव कीजिए, सेव करने के बाद जब आप इसको रन करेंगे तो ये आपको इस तरीके से आउटपुट देगा। साथ में आप यहाँ देखेंगे कि एल्स पार्ट भी एग्जीक्यूट हुआ, रेस्ट ऑफ द कोड कैसे हुआ है ये एक बार देख लीजिए।
जब ये फोर चलेगा तो ये कहेगा कि एस टी में जो पहला एलिमेंट है जो कि जी है वह असाइन करो सी एच में, देन उसको प्रिंट कर दो, जिससे आपको ये जी दिखाई देता है। उसी तरीके से फोर लूप दोबारा से चलेगा, ये एल्स पार्ट में नहीं आएगा, दोबारा से चलेगा, बिकॉज इसमें जब तक फोर लूप चल रहा है तब तक एल्स नहीं चलेगा, मतलब जब तक सीक्वेंस में एलिमेंट्स है तब तक आपका एल्स पार्ट नहीं चलेगा। सो वापस से फोर लूप चला दोबारा से, तो ये कहता है कि एस टी में नेक्स्ट एलिमेंट जो है उसको सी एच में डालो। तो ई है, ई आया इसमें, प्रिंट सी एच हुआ तो ई हमें यहाँ दिखाई दिया। इसी तरीके से बार बार ये एग्जीक्यूट होगा और एस टी के सारे एलिमेंट्स हमें डिस्प्ले होकर यहाँ दिखाई देंगे। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब एस टी में कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा, उस केस में ये एल्स पार्ट में चला आएगा और आपको ये डिस्प्ले होकर दिखाई देता है, देन आपका रेस्ट ऑफ द कोड। अब इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हो सकता है कि फोर लूप एक बार भी ना चले, यानी कि पहले बार में ही आपको पता चले कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, उस केस में ये एग्जीक्यूट नहीं होगा बल्कि एल्स पार्ट में चला आएगा और सिंपली आपको एल्स पार्ट दिखाई देगा, देन रेस्ट ऑफ द कोड ये लूप बंद होकर। तो ऐसा भी पॉसिबल है फोर लूप में, सो इसे ध्यान में रखना है। ओके, सो फोर लूप का ये लास्ट कॉन्सेप्ट है जो कि है नेस्टेड फोर लूप। नेस्टेड फोर लूप क्या होता है, एक फोर लूप के अंदर जब आप दूसरा फोर लूप बनाते हैं तो उसे नेस्टेड फोर लूप कहते हैं। फॉर आई इन रेंज एन, इस बार मैं रेंज का एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ बिकॉज फोर नेस्टेड फोर लूप के लिए यही बेहतर है। देन इस फोर लूप के अंदर एक और फोर लूप बनाया आपने, यहाँ एन और वाई की जगह कोई भी रेंज हो सकता है, रेंज का स्टॉप कोई भी वैल्यू रह सकता है, इंटीजर वैल्यू। इस इनर फोर लूप के अंदर में आपका एक स्टेटमेंट है, देन आउटर फोर लूप के अंदर में ये वाला स्टेटमेंट है, देन आपका रेस्ट ऑफ द कोड। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसे हम लोग कहते हैं आउटर फोर लूप और इसे हम लोग कहते हैं इनर फोर लूप, और इस फोर लूप का ये स्टेटमेंट है और इस फोर लूप का ये और ये दोनों स्टेटमेंट है, ठीक। यानी कि ये फोर लूप चलेगा तो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, और ये फोर लूप चलेगा तो सिर्फ ये चलेगा। यहाँ स्टेटमेंट लिखने के बजाय आप ऊपर में भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं इसके लिए। ओके, सो इसको देखते हैं एग्जाम्पल में क्विकली और इसको ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को। सो नेस्टेड फोर लूप हम लोग देखने वाले हैं, तो फोर आई इक्वल, सॉरी आई इक्वल नहीं, आई इन रेंज, मैं कम कम दे रहा हूँ वैल्यू, आप ज़्यादा भी दे सकते हैं, मैंने टू दिया और यहाँ मैं प्रिंट कर लेता हूँ पहले तो कि ये मेरा क्या है, आउटर फोर लूप है। आउटर लूप, आउटर लूप कौन सा, ये हमें बताएगा ये ऑटोमेटिकली आई। देन इसके अंदर एक फोर लूप और हमें बनाना है, जे इन रेंज, या हम लोग दे देंगे थ्री, इसमें आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। देन प्रिंट, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इनर फोर लूप, इनर लूप जे, और हमने यहाँ छोड़ा है कॉलम। उसके बाद हमारा इसके नीचे बनेगा रेस्ट ऑफ द कोड। सो पहले इसको रन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। सेव किया, सेव करने के बाद हम लोग इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे पहले एक बार आउटर फोर लूप चलेगा, फिर इनर फोर लूप, फिर इनर फोर लूप, फिर इनर फोर लूप, तीन बार इनर फोर लूप, फिर एक बार आउटर फोर लूप, फिर तीन बार इनर फोर लूप। ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है एक बार समझ लीजिए, जिससे कि आपको कोई आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर रहेगा। इस चीज़ से नंबर जनरेट हुआ है हमारा 0 1, और इस चीज़ से हमारा नंबर जनरेट हुआ है 0 1 और ये ध्यान में सबसे पहले तो रख लेना। तो जब ये फोर लूप चलेगा ये वाला, ये कहेगा कि इसमें से पहला एलिमेंट आई में डालो, तो पहला एलिमेंट क्या है 0, तो 0 हमारा आई में चला आया, यहाँ हो गया हमारा 0। प्रिंट करना है फोर लूप, क्योंकि ये फोर लूप हमारा चलेगा बिकॉज एलिमेंट्स हैं तो चलेगा, तो ये पूरा कोड एग्जीक्यूट होगा। तो जब प्रिंट ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो रहा तो ये कहता है कि आउटर लूप, यानी कि आउटर लूप, यहाँ ये वाला देखिए ना, आउटर लूप 0, बिकॉज आई का वैल्यू क्या है अभी 0 है, तो ये आपको डिस्प्ले होकर दिखाई देता है। देन ये वाला फोर लूप एग्जीक्यूट होगा, जब ये वाला फोर लूप एग्जीक्यूट होता तो ये कहता है कि जे इन रेंज 3, तो रेंज 3 में जो भी है पहला एलिमेंट जो कि 0 है वह जे में चलाया जाएगा, और ये एग्जीक्यूट होगा इनर लूप जे में जो वैल्यू, जे में क्या है 0, तो आपको इनर लूप 0 दिखाई देता है। अब ये फोर लूप फिर से चलेगा, क्यों चलेगा, बिकॉज इसमें अभी भी एलिमेंट्स बाकी है इसीलिए। सो जब ये वापस से चलता है तो ये अपने नेक्स्ट एलिमेंट को आई में रख, जे में रखता है, सॉरी
जे में रखता है, आई में नहीं, जे में। सो इस वन को ये जे में रखता है, देन इनर लूप जे में क्या है, अब वन है, तो वन आपको दिखाई देता है ये वाला एग्जीक्यूट होकर। वापस से ये इसी में चलता है, देन नेक्स्ट एलिमेंट टू है, तो जे में टू आ गया, तो इनर लूप जे टू यानी कि ये वाला आपको एग्जीक्यूट होकर दिखाई देता है। वापस से जब ये चलता है तो ये देखता है कि अब कोई भी एलिमेंट इसका नहीं है, इस केस में ये फोर लूप यानी कि इनर फोर लूप बंद हो जाता है और ये आउटर फोर लूप को कॉल करता है। आउटर फोर लूप कहता है कि नेक्स्ट एलिमेंट जो कि वन है वह डालो आई में, यानी कि अब आई में वन हो गया, नेक्स्ट एलिमेंट था तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। जब इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता है तो सबसे पहले ये चलता है, ये कहता है आउटर लूप आई, आई का भी वैल्यू कितना है वन है, तो आउटर लूप आई ये वाला आपका चला। देन ये चला, ये कहता है कि रेंज थ्री में जे करो, यानी कि रेंज थ्री में जे करो, यानी कि भी वापस से ये चला है तो ये ज़ीरो से फिर से स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर ज़ीरो चला जाएगा जे में, नहीं इनर लूप जे यानी कि इनर लूप ज़ीरो, तो आपको ये वाला दिखाई देगा। वापस से ये फोर लूप चलेगा हमारा और नेक्स्ट एलिमेंट जो कि वन है वह जे में जाएगा, तो इनर लूप जे में क्या है वन, तो वन डिस्प्ले को दिखाई देगा। फिर वापस से जब चलेगा तो इनर लूप टू आपको दिखाई देगा, देन वापस से ये यहाँ जाएगा आउटर फोर लूप में, जब आउटर फोर लूप में जाएगा तो ये कहेगा कि नेक्स्ट एलिमेंट, ये कहेगा कि मेरे पास कोई भी नेक्स्ट एलिमेंट नहीं है, तो कहेगा कि अच्छा आपके पास जब कोई भी नेक्स्ट एलिमेंट नहीं है तो फिर मैं इस पूरे लूप को बंद कर देता हूँ, बिकॉज अब कोई मायने नहीं है इसका, ये पूरा फोर लूप हमारा बंद हो जाता है, देन हमारा रेस्ट ऑफ द कोड एग्जीक्यूट होकर हमें मिलता है। सो गाइस ये है हमारा फोर लूप का कॉन्सेप्ट, पूरा बेसिक से लेकर एकदम डीप जहाँ तक आप समझ सकते हैं और जहाँ तक मैं समझा सकता हूँ सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं, और वीडियो बहुत ही लंबा लंबा बन रहा है तो उसके लिए सॉरी अगर किसी को बोरिंग लग रहा हो तो, लेकिन चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। सो ये था हमारा फोर लूप पाइथन में। अभी करीब मैं बहुत थक गया हूँ, मेरी आवाज़ बैठ चुकी है और अभी लगभग रात के 3 बजने वाले हैं, 2:50 हो गया लगभग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।